मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहत हो कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेकर के उपस्थित हैं आपके सामने, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बायो मॉलिक्यूल्स, जैव अणु। जैव अणु में शामिल हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन्स, एंजाइम्स, बहुत सारे टॉपिक हैं जो मिलकर के जीवन का अणु बनाते हैं, अर्थात जैव अणु कहलाते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में, बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्त, पहले प्रश्न को देखते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न दोस्त, यहां पर ध्यान दीजिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है यहां पर कि द फोर एलिमेंट्स कॉल्ड बिग फोर विच मेक अप 95% ऑफ ऑल एलिमेंट्स फाउंड इन अ लिविंग सिस्टम आर। दोस्त, इससे सही ऑप्शन कौन सा है? हम आपको थोड़ा सा टाइम भी देते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, ठीक है? तो हम आपको बताते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका राइट आंसर होगा CHON, अर्थात इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, हम इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं चोन। क्या पढ़ते हैं दोस्त? चोन। ये चार बड़े तत्व कहे जाते हैं, बिग फोर कहे जाते हैं, जो पूरे लिविंग सिस्टम का 95% भाग बनाते हैं। तो हमारा राइट आंसर है एक, पहला हमारा राइट आंसर है दोस्त CHON, ठीक है? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। जो दूसरा प्रश्न कह रहा है मैक्रो मॉलिक्यूल्स, देखो एक होता है दोस्त माइक्रो मॉलिक्यूल्स छोटे अणु, और एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स अर्थात बड़े अणु। तो कह रहा है मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर, इसमें से मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन कहे जाते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड्स, और अगला है न्यूक्लिक एसिड एंड मोनोसेकेराइड्स दोस्त, और तीसरा है अमीनो एसिड एंड पॉलीसेकेराइड्स, चौथा ऑप्शन है अमीनो एसिड, लिपिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहे जाते हैं उनमें से कौन कौन से हैं, हम आपको बता दें, उनमें से चार हैं, एक तो कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा प्रोटीन है, तीसरा लिपिड है, और चौथा न्यूक्लिक एसिड है। हमने बात किया पहला कौन सा, कार्बोहाइड्रेट की, दूसरा प्रोटीन, और तीसरा लिपिड, और चौथा है न्यूक्लिक एसिड। तो देख लीजिए इनमें से कहां मैच कर रहा है दोस्त, नॉट अमीनो एसिड, क्योंकि अमीनो एसिड ही प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती हैं। तो नहीं, यहां पर बात नहीं आई, न्यूक्लियोटाइड्स ये कैंसिल हो गए दोस्त। अब यहां पर मोनोसेकेराइड्स नहीं, बल्कि हम आपको बता दें जो कि यह भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेरा, लेकिन डाइसेकेराइड्स अर्थात डाइस को नहीं लेंगे बल्कि पॉलीसेकेराइड्स होता है। तो दोस्त कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड्स एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है, और प्रोटीन्स, यहां पर प्रोटीन्स भी है, हालांकि लिपिड नहीं है बल्कि न्यूक्लिक एसिड्स है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स है। तो आपका सही जवाब क्या बनेगा दोस्त? इस आपका राइट आंसर होगा एक नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है उस प्रश्न को भी देखते हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं फटाफट के अंदाज में कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एवरी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रत्येक कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? अब यहां पर कह रहा है कि एल्डोज होते हैं और कीटोज, एल्डोज अथवा कीटोज होते हैं, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, करा हेक्सोज और पेंटोज, और ट्राइओजेस एंड टेट्रोज, ठीक है, ऐसा कह रहा है। तो एल्डोज और कीटोज थोड़ा सा विशेष ध्यान दें दोस्त, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का अगर क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले दो भागों में बांटा जाता है, सुगर और नॉन सुगर, ठीक है, शर्करा और अशर्करा। अशर्करा नॉन सुगर्स को हम पॉलीसेकेराइड्स भी कहते हैं, जिसमें स्टार्च और सेलुलोज शामिल है, स्टार्च और सेलुलोज। जैसे कार्बोहाइड्रेट है दोस्त, हमने बताया इसको दो भाग में बांटते हैं, पहला है सुगर्स और दूसरा नॉन सुगर्स, या इसी को कहते हैं पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं, इसमें स्टार्च और
सेलुलोज शामिल है जिसका फार्मूला है C6H10O5, ठीक है, इसका N। अब सुगर्स जो है इसे दो भाग में बांटते हैं, पहला है मोनोसेकेराइड्स, क्या है दोस्त, मोनोसेकेराइड्स, दूसरा है ऑलिगोसेकेराइड्स, ऑलिगोसेकेराइड्स, ठीक है। अब मोनोसेकेराइड्स में इसमें दो भाग हैं, एक है एल्डोज, एल्डोज, दूसरा है कीटोज, एल्डोज और कीटोज, अर्थात एल्डोज उसे कहते हैं जो एल्डिहाइड समूह रखता है, कौन सा एल्डिहाइड समूह रखता है, जैसे ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज, और जो कीटोनिक ग्रुप रखता है, अर्थात कीटोनिक ग्रुप कौन सा होता है दोस्त, आप ये जानते होंगे, एल्डिहाइड समूह कौन सा होता है, CHO, ठीक है, एल्डोज और एक कीटोज, इसका एग्जाम्पल है फ्रक्टोज, आप जानते हैं। और ऑलिगोसेकेराइड्स को पुनः तीन भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और टेट्रासेकेराइड्स। डाइसेकेराइड में सुक्रोज है दोस्त, C12H22O11, और ट्राइसेकेराइड्स में आप जानते हैं, इसमें एक आप यूनिट और जोड़ दीजिए इसकी, अर्थात यहाँ 12 6 18, C18 और H22 10 22 10 32 और O11 5 16, ये हो जाएगा दोस्त किसका, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड्स का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, इसे कहते हैं राइफिनोज, फिर स्टेकाइरोज, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ C24 हो जाएगा, यहाँ 42 हो जाएगा और यहाँ 21 हो जाएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त, इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, एल्डोज और कीटोज, इसका राइट आंसर है, एवरी कार्बोहाइड्रेट इज एल्डोज और कीटोज, एल्डोज और कीटोज इसका राइट आंसर है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। ऑलिगोसेकेराइड्स कंटेन, ऑलिगोसेकेराइड्स क्या रखता है, ऑलिगोसेकेराइड्स में कितने कार्बन होते हैं, अब यहां पर आपको यह बताना है, देख लीजिए जरा, टू मोनोसेकेराइड्स कह रहा है, दो मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स किसे कहते हैं, आपको मैंने बताया जब कार्बन सामान्यतः छह की संख्या में हो, C6H12O6 ये हो गया मोनोसेकेराइड, अगर 6 × 2 = 12 हो जाएगा, अर्थात C12H22O11 ये हो गया डाइसेकेराइड्स। अब इसी डाइसेकेराइड्स और ट्राइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड्स यहाँ पर और जुड़ जाएगा 12 6 18 और एच हो जाएगा 32 O16, ये ट्राइसेकेराइड्स, फिर टेट्रासेकेराइड्स हो जाएगा C24 और एच 42 O21, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है ये तीनों जो है ऑलिगोसेकेराइड्स हैं दोस्त, क्या हैं ये तीनों, ऑलिगोसेकेराइड्स हैं, यहाँ पर यही पूछ रहा है कि ऑलिगोसेकेराइड्स में कितने मोनोसेकेराइड्स होते हैं, तो यहाँ पर लगभग 2 से 10 होते हैं, कितने होते हैं 2 से 10, लेकिन ऑप्शन में क्या देख रहा है दोस्त, ये देख रहे हैं आप क्या है, 2 नहीं होगा, राइट, ये रॉन्ग आंसर, न्यूमरस अधिक संख्या मोनोसेकेराइड्स, नो मोनोसेकेराइड्स, यहाँ 2 9 मोनोसेकेराइड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, इसका दूसरा विकल्प सही है दोस्त, ऑलिगोसेकेराइड्स, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 9 मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 में रिड्यूसिंग सुगर्स अपचायक शर्करा है, कह रहा है रिड्यूसिंग सुगर कौन सा है, इनमें से रिड्यूसिंग सुगर कौन सा है, इसमें बताना है, कह रहा है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, कि ग्लूकोज, सुक्रोज एंड सेलुलोज, कह रहा है लैक्टोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड ट्रेहेलोज और ऑल ऑफ द एबव, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर दोस्त। हम आपको बता दें जल्द ही हमारा बायोमॉलिक्यूल का एक लेक्चर आने वाला है, उस लेक्चर को यदि आप देख लेंगे तो बायोमॉलिक्यूल से एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है, ठीक है, जिसमें हम आपको एक एक बारीकियों के साथ विद एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताने वाले हैं। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं, कह रहा है द स्वीटेस्ट सुगर इज, यानी सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, स्वीटेस्ट सुगर किसे कहा जाता है, कह रहा है फ्रक्टोज को कहा जाता है, कि ग्लूकोज को कहा जाता है, कि सुक्रोज को कहा जाता है, कि कह रहा है मोनोलिन को कहा जाता है, किसको कहा जाता है। देखिए हम आपको बता दें दोस्त, आपके मन में एक क्वेश्चन मैं डालता हूं अभी, वो क्वेश्चन हमारा ये है कि C6H12O6, अब ये ग्लूकोज का भी फार्मूला होता है, यही फार्मूला फ्रक्टोज का होता है, बट इसमें कैसे आप विभेद करेंगे, कैसे आप बताएंगे कि कौन ग्लूकोज है कौन फ्रक्टोज है,
तो इसमें आप ग्रुप को देख करके बताएंगे, इसके स्ट्रक्चर को बना करके आप बताएंगे, ठीक है। कैसे बताएंगे दोस्त इसमें, क्योंकि मैंने बताया ग्लूकोज में क्या होगा, एल्डिहाइड समूह होता है, एल्डिहाइड समूह होता है, और इसमें क्या होता है, कीटोनिक समूह होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर को बताएंगे दोस्त तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी, क्योंकि जब हम इस लेक्चर को लेकर के आएंगे तो आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है उसको देखते हैं, और एक मिनट, अभी हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है 6 नंबर का, तो 6 नंबर का क्वेश्चन हम आपको बता दें, स्वीटेस्ट शुगर क्या है, इसमें से इसका राइट आंसर तो बताया नहीं, आगे बढ़ गए। देखिए इसका राइट आंसर है फ्रक्टोज। कौन सा है दोस्त? फ्रक्टोज इसका सही जवाब है, ठीक है। इसका राइट आंसर है फ्रक्टोज, यह सबसे मीठी शर्करा है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, 7 क्या कह रहा है, द मोस्ट कॉमन डाइसेक्राइड हैज द मॉलिकुलर फार्मूला, यानी कह रहा है कि कॉमन जो डाइसेक्राइड्स होता है उसका कॉमन सामान सूत्र क्या है डाइसेक्राइड्स का। डाइसेक्राइड्स मैंने बताया कि 6 × 2 = 12, जिसमें कार्बन 12 परमाणु हो उसे क्या कहेंगे हम मुख्यतः, लेकिन उसके साथ पूरा फार्मूला भी तो होना चाहिए। जैसे अब यहाँ C10 कहाँ है, नहीं C12 तो है, लेकिन क्या देख लीजिए फार्मूला सही है, C12H24 हो गया, 9 22 होना चाहिए, तो यह क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया भाई, ये नहीं हो सकता। फिर अगला कह रहा है यहाँ C18 हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता है, और यहाँ C12H22O11 ये है सुक्रोज। क्या है दोस्त? ये है सुक्रोज, सुक्रोज, ठीक है, और यही इसका सही जवाब है, अर्थात 4 नंबर विकल्प सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल डाइसेक्राइड्स, निम्न में से कौन सभी, यानी निम्न में से कौन सा सेट जिसमें सभी डाइसेक्राइड्स हों, जिनमें सभी डाइसेक्राइड्स हों उसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर क्या होगा देख लीजिए, माल्टोज सुक्रोज लैक्टोज, माल्टोज लैक्टोज ग्लूकोज, ग्लूकोज तो नहीं हो सकता, मोनोसेक्राइड है। फिर ग्लाइकोजन, यह भी नहीं हो सकता भाई, ठीक है, यह भी नहीं हो सकता है, ठीक है, दो तो है डाइसेक्राइड। कह रहा आल ऑफ द अबव, नहीं, यह भी कहां से हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर इसका सही जवाब है, अर्थात माल्टोज और सुक्रोज लैक्टोज ये क्या है, डाइसेक्राइड्स हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 9 की तरफ। कह रहा है इन ब्रेन, ब्रेन में कॉमन टाइप ऑफ लिपिड्स, यानी ब्रेन में जो सामान्य प्रकार का लिपिड्स है वो कौन सा है इसमें से। कह रहा है ग्लाइकोलिपिड्स है, लिपोप्रोटीन्स है, स्टेरॉइड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे भाई, इसका सही जवाब क्या होगा देख लीजिए और बताइए फटाक से, इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और फटाक से इसका जवाब दें, ठीक है। इसका जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा ग्लाइकोलिपिड्स। क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या कह रहा है। कह रहा है विच वन इज एब्सेंट इन वुड, यानी निम्न में से कौन वुड में एब्सेंट होता है, वुड मीन्स लकड़ी में, चारों विकल्प में से वुड में कौन सा एब्सेंट होता है। कह रहा है सेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन, ये सभी तो होते हैं मेरे भाई, सेलुलोज तो जो है प्लांट सेल का जो है सिलवाल का मुख्य घटक ही है, पेक्टिन भी है, लिग्निन भी है, इसका जमाव ही तो दृढ़ता देता है, इसमें कौन नहीं है, फैट नहीं होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर, 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या, फैट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। आपको बता दें इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट में हम नए नए प्रकार के क्वेश्चन को शामिल करेंगे और जो आपके क्वेश्चन पूछे भी गए हैं उनको भी हम शामिल करेंगे, ठीक है। हर चैप्टर वाइज अभी स्टार्ट होने वाला है क्योंकि अभी परीक्षा की तिथि तो कोई न्यूज़ नहीं है, बहुत सारे लोग कयास कर रहे हैं कि फरवरी में हो सकता है कि एग्ज़ाम हो, जी बिल्कुल वो कयास भी सही है, लेकिन देखते हैं कि कब होगा, लेकिन परीक्षा चाहे जब हो आपकी तैयारी तो पहले से ही होनी चाहिए, और प्रैक्टिस सेट जितना भी अभी तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस सेट भी जितना करेंगे वो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, ठीक है। तो इसका देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेसिथिन एंड सिफेलिंस, लेसिथिन एंड सिफेलिंस आर, ये क्या है, लेसिथिन एंड सिफेलिन क्या है, कह रहा है न्यूक्लिक एसिड है कि फास्फोलिपिड है कि कह रहा है कार्बोहाइड्रेट है कि कह रहा है स्फिंगोलिपिड्स हैं, तो भाई कार्बोहाइड्रेट तो है नहीं, न्यूक्लिक एसिड तो है नहीं, और स्फिंगोलिपिड्स तो है नहीं, तो है क्या, ये है फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड इसका सही जवाब है, फास्फोलिपिड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है न्यूक्लियो प्रोटीन इज, न्यूक्लियो प्रोटीन
किस प्रकार का प्रोटीन है, कह रहा है स्ट्रक्चरल प्रोटीन है कि सिंपल प्रोटीन है कि कंजुगेटेड प्रोटीन है कि फाइब्रस प्रोटीन है, बताइए इसमें किस प्रकार का प्रोटीन है, न्यूक्लियो प्रोटीन। हम आपको बता दें जब प्रोटीन की आप क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन जब स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं तो वहाँ पर दो प्रकार का है, ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन दो ही भाग हैं। अगर इसके संगठन के आधार पर करते हैं, कंपोजिशन के आधार पर करते हैं, तब ये कितने प्रकार का होता है, तब तीन प्रकार का होता है प्रोटीन। कौन कौन सा? एक होता है सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन, डिराइव्ड व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है, और सिंपल प्रोटीन में क्या है भाई, इसमें है हिस्टोन और एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स और स्क्लेरोप्रोटीन्स और प्रोटामिन्स। ठीक है, ग्लूटामिन्स। और जो कंजुगेटेड प्रोटीन होता है इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें मेटेलोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और इसी में आपका न्यूक्लियो प्रोटीन्स होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन्स भी इसी में शामिल है, क्रोमोप्रोटीन्स भी है। तो इस न्यूक्लियो प्रोटीन किस प्रकार का है, कंजुगेटेड है। न्यूक्लियो प्रोटीन किस प्रकार का है, कंजुगेटेड प्रोटीन है, अर्थात तीन नंबर इसका सही जवाब है, तीन नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 13 की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 करा, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ इज, यानी पृथ्वी पर मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा किरेटिन है कि रबिस्को है कि फाइब्रिनोजन है कि आरयूबीपी है, इसका सही जवाब क्या होगा, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ, इसका सही जवाब क्या हो दे क्या होगा दोस्त। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल कमेंट करें फटाफट के अंदाज में, क्या इसी प्रकार से एक टेस्ट सीरीज चला दिया जाए, डेली के डेली चला दिया जाए पैटर्न, तो क्या बेहतरीन होगा। यदि आप फुल वीडियो वॉच करते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बेहतरीन कमेंट के साथ जरूर बताइएगा, जिससे वो मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ाएगा और मनोबल बढ़ाएगा, तो निश्चित ही बिल्कुल एक सही तरीके से चलने लगेंगे हम सभी लोग। ठीक है, देखिए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा, रबिस्को, रबिस्को इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ, इसका राइट आंसर है दो नंबर। क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा है द स्पाइडर वेब्स, जो मकड़ी होती है उसकी जाला, मकड़ी का जाला, अभी जानते होंगे मकड़ी 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 मकड़ी, जाला 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 जाला, ऐसा कह रहा है ऑर्बिट किसका बना होता है, कह रहा फैट का कि प्रोटामिन्स का कि प्रोटियोग्लाइकेंस का कि फाइब्रोइन प्रोटीन, जी बिल्कुल फाइब्रोइन प्रोटीन का बना होता है, किसका बना होता है, फाइब्रोइन प्रोटीन का ही बना होता है स्पाइडर वेब्स। ठीक है, स्पाइडर वेब्स आर बिल्ट ऑफ फाइब्रोइन प्रोटीन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या कह रहा है, लार्जेस्ट मैक्रोमॉलिक्यूल इन सेल इज, कोशिका में लार्जेस्ट मैक्रोमॉलिक्यूल कौन होता है, कोशिका में लार्जेस्ट मैक्रोमॉलिक्यूल्स कौन सा होता है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, कह रहा डीएनए होता है, सेलुलोज होता है, ग्लाइकोजन होता है कि काइटिन होती है, क्या होती है, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, डीएनए ही होगा इसका राइट आंसर, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो दोस्त हम लेकर के आ जाए थे बायोमॉलिक्यूल से बहुत सस्ते प्रश्न लेकर के आए थे, बहुत सिंपल प्रश्न लेकर के आए थे और इन क्वेश्चन की संख्या थी 15। ठीक है, क्या यह सीरीज बिल्कुल चलनी चाहिए, यदि चलनी चाहिए तो एक जो है तगड़े कमेंट के साथ मोटिवेशनल अपने विचार जरूर व्यक्त करें। चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में बस दोस्त यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।